मॉनिका स्टूडेंट बी एड सेकेंड ईयर, बी एड सेकेंड ईयर में आज जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है वो है संप्रेषण उपकरणों के गुण। बेसिकली आपको पता है जो संप्रेषण होता है तो वित्तीय लेखांकन की अगर मैं बात करती हूँ तो वित्तीय लेखांकन के अंदर हमें संप्रेषण कम्युनिकेशन जो हो रहा है, संप्रेषण जो हो रहा है उसके उपकरण कितने महत्वपूर्ण होते हैं, बेसिकली इसके क्या क्या गुण हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हमें पता है कि जो मतलब जो संप्रेषण उपकरण होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हर जितनी भी सहायक सामग्री होती है, संप्रेषण उपकरण मान लो, शिक्षण सहायक सामग्री मान लो, उसके थ्रू पढ़ाने से बच्चे के कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, इसी गुण में वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब इसके गुण की अगर हम बात करते हैं तो हम अगर जनरली बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आत्मविश्वास, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाई जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, बच्चे स्वाध्याय की भावना को प्रेरित करते हैं, बच्चे रोचक लेखन पढ़ते हैं, कक्षा निरस्त कक्षा नहीं रहती, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें होती है। तो अगर संप्रेषण उपकरण में कौन कौन से गुण हैं वो ये हैं, पहला नंबर है ये छात्रों के स्तर एवं आकार के अनुसार होनी चाहिए। आकर्षक होनी चाहिए जिसके लिए विभिन्न प्रकार के रंगों एवं ड्राइंग पैनों का ड्राइंग पैन स्ट्रॉक प्रयोग किया जा सकता है। देखो पहला है कि ये छात्रों के स्तर और आकार के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि वही संप्रेषण उपकरण या सहायक सामग्री अच्छी मानी जाती है जो बेसिकली बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग भी हो। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहे फिफ्थ क्लास का सहायक सामग्री को दिखाते हुए, ये गलत है। ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो लेवल का भी होना चाहिए। लेवल कैसे होना चाहिए, बच्चों के आयु के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, जिससे सभी छात्रों के लिए क्या हो सके, उपयोगी हो सके। फिर सेकेंड आता है वह आकर्षक होनी चाहिए। अब आकर्षक हमें पता है कि कोई भी हम जैसे आप लोग भी बीएड हैं तो बीएड में आप लोग तो एक अट्रैक्टिव पीए वगैरह बना के लेके जाते हो, टीचिंग एड बना के लेके जाते हो, तो बच्चों को वही अट्रैक्टिव लगता है जो बहुत ही बच्चों के लिए आकर्षक हो। अब आकर्षक के लिए ये नहीं कि आपने एक चार्ट पेपर लिख लिया और नॉर्मली पेन से या मार्कर से आप लिखकर चले गए, नहीं, वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को जाने पहचाने। से बैंक का मॉडल, अब आप बैंक का मॉडल बच्चों के सामने लेके जा रहे हो तो बच्चे जब मॉडल उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, देखेंगे, तो उन्हें इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि वो ईजी होकर उस कार्य को लगाने को समझ सकेंगे। विभिन्न तो जब हम जो भी उपकरण बना रहे हैं या जो भी सहायक सामग्री बना रहे हैं हम, तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे ड्राइंग पेंस और कलर्स का क्या ले इस्तेमाल करें, जिससे बच्चों को वो क्या करें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर साफ
स्वच्छ बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसमें मूंगफली चीनो जिससे शिक्षार्थी भली भांति समझ सके। देखो नेक्स्ट स्टेप है साफ और स्वच्छ बनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पेपर्स का यूज ले रहे हो या हार्डबोर्ड या किसी का भी थर्माकोल का यूज ले रहे हो और इतना गंदा कि बच्चे उस अपने जो एक क्लास जो एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव बन सके वो निरस बने। जो बच्चे इधर उधर छेड़खानी करें डिसिप्लिन रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप बना रहे हो बच्चों को अच्छे से समझ में आए क्योंकि क्लासरूम का आकार बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है तो बच्चे पीछे तक वाले बच्चे आराम से देख सके इस तरह से होना चाहिए जिससे उसे प्रकार का भ्रम फैला ना हो सके। ठीक है जैसे कोई गलती ना निकले मतलब किस तरह से एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है उसमें भौगोलिक चिन्हों शब्दों आदि का प्रयोग स्पष्ट रूप से होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी भली भांति समझ सके। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल बेस होता है तो अगर हम इनके इसमें जनरल एंट्रीज बता रहे हैं तो जनरल एंट्रीज के अंदर हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है सेल्स होती है लाइबिलिटीज होती है असेट्स होती है उसमें इतना हाईलाइट करना चाहिए बच्चों के सामने हर एक पॉइंट को कि बच्चे उस चीज़ को ईजी वे में समझ सके और अपने प्रैक्टिकली मतलब एक तरह से डेली यूज में भी उसको काम में ले सके और प्रैक्टिकली लाइफ में उस चीज़ को काम में ले सके। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री संप्रेषण उपकरण है वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए जो बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ सके परख सके और अपने जीवन में उसे काम में उपयोग में ले सके। तो ये आपके क्या थे संप्रेषण उपकरणों के गुण थे। अब आपको होमवर्क है संप्रेषण उपकरणों के